तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संवारी के। ये छह ढाला नाम का महान ग्रंथ है जिसकी रचना आज से लगभग 190 वर्ष पहले कविवर पंडित दौलत राम जी ने की है, जो अलीगढ़ के पास सासनी में पैदा हुए थे और दिल्ली चांदनी चौक में रहे थे, धर्मपुरा में। और उन्होंने सारे शास्त्रों का सार लेकर के, वो बहुत शास्त्रों को पढ़ते थे, मूल प्राकृत संस्कृत के ग्रंथों को वो बहुत अच्छी तरह बार बार पढ़ते थे। न केवल पढ़ते थे, उनको उनकी गाथाओं को कंठस्थ करते थे। तो उन्होंने जो गाथाओं को कंठस्थ करके ये ग्रंथ बनाया है, उसका सार तैयार किया है, इसलिए ये ग्रंथ सब ग्रंथों का सार माना जाता है। दूसरी बात, इस ग्रंथ में आध्यात्मिकता भी कूट कूट के भर दी है, इसलिए इस ग्रंथ को छोटा समय सार भी कहते हैं। ये छह डाला की ऐसी कुछ विशेषता है, ऐसी कुछ महिमा है कि कोई बिल्कुल साधारण आदमी, एक जरा सा आधा घंटे का स्वाध्याय नहीं है इसका जरा सा, पर यदि कोई गंभीरता से समझे तो पूरी जिनवाणी उसको एक इस छह डाला से समझ में आ सकता। ऐसा कोई भी काम का विषय नहीं छूटा है जो इस छह डाला में नहीं आया हो, हर काम का विषय इसमें आ गया। सात तत्व आ गए, छह द्रव्य आ गए, पूरे के पूरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, बारे भावना, श्रावकाचार, अणुव्रत, महाव्रत, मोक्ष तक की पूरी निगोद से लेकर सिद्ध शिला तक की कहानी इसमें बताई गई। ऐसे भी कह सकते हैं कि छह ढाला एक कहानी है, क्योंकि इसमें खुद ही उनने कहा है कि तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। तो छह ढाला वास्तव में देखा जाए तो एक कहानी है। कोई के कहाँ कहानी है, हमको तो लगती ही नहीं कहानी, हमको तो दुनिया की कहानी ही कहानी लगती है। पर ये कहानी जीव की है, जीव की क्या, हम सब की है। ये मेरी कहानी है, मैं कैसे काल अनंत निगोद मझार रहा और बाद में वहाँ से कैसे कैसे निकल कर क्या क्या, कैसे कैसे मैं धीरे धीरे उन्नति करते 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 भटकते भटकते, कैसे तत्व ज्ञान करके कोई जीव मोक्ष में जाता है, ये सारी चर्चा इसमें आई है। और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से आई है। सबसे पहले कहा कि देखो, तुम किसी अंधेरे में मत रहना, तुम समझोगे मजे में हो, इस दुनिया में सब दुखी हैं, तुम भी महादुखी हो। तो ये जीव, बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है कि या तो अपने को दुखी नहीं मानता है, थोड़ा सा पुण्य का उदय हो तो समझता है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, अब करना ही क्या, जबकि ये महान दुख की बात है। ऐसे ही और जीवों को सुखी देखता है कि वो सुखी होगा, वो सुखी होगा, पर ये समझाती है
कि इस तीन लोक में कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी है। पहली बात, तुमको दूसरे की थाली में मीठा लगता है पर कोई सुखी नहीं है। और दूसरी ढाल में कहा कि दुखी क्यों है, दुखी होने की वजह क्या है, किस वजह से जीव दुखी है। तो कहा वजह भी जानना जरूरी है। पहली भूल यहाँ होती है कि तुम समझते हो यहीं कहीं सुख है, मैं सुखी नहीं हूँ भले, पर वो तो सुखी है, औरतें समझ रही आदमी सुखी है, आदमी समझ रहे औरतें सुखी है, बच्चे समझ रहे बड़े सुखी है, बड़े समझ रहे बच्चे सुखी है, पर सुखी कोई भी नहीं है। अमीर समझ रहा है गरीबों के मजे हैं, गरीब सोच रहा है अमीरों के मजे हैं, सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं पर सब दुखी हैं। यहाँ कहीं सुख नहीं है, सब जग देखो छान। फिर दूसरी ढाल में तो पहले तो ये पाठ सीखना जरूरी है कि कोई सुखी नहीं। दोबारा ये दूसरा पाठ ये सीखना जरूरी है कि दुख का कारण और कुछ भी नहीं है बाहर में, कोई मौसम फौसम की वजह से, पैसे वैसे की वजह से, गाड़ी घोड़े की वजह से कोई दुखी हो ऐसी बात नहीं है। दुख का कारण अपने अंदर है और वो कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र की वजह से ही सब दुखी हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अब क्यों, अगर सही कारण नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हम दूसरा कारण जिस कारण को दुख का समझेंगे वो अपन समझेंगे। अपने पास गुलाब जामुन नहीं है तो फिर गुलाब जामुन लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये समझेंगे कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र से दुखी हैं तो उसको दूर करेंगे। तो दुख का कारण जानना जरूरी है। फिर तीसरी ढाल में कहा जब दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है तो तीसरी ढाल में कहा सुख का कारण भी और कुछ नहीं है। इस दुनिया में दुख का कारण भी और कुछ नहीं है और सुख का कारण भी और कुछ नहीं है। दुख का कारण अपने अंदर का मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है और सुख का कारण भी अपने अंदर बैठे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र करो तो सुखी होगे। ये तीसरी ढाल में बहुत जोर दे के समझाया। फिर कहा क्या होता है वो सम्यक दर्शन, हमको समझाओ। तो उन्होंने सम्यक दर्शन क्या होता है ये विस्तार से समझाया और कहा कि सम्यक दर्शन को जरूर से जरूर प्राप्त करो। सम्यक दर्शन प्राप्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे तुमको सुखी होना है, परलोक में मोक्ष जाना है तो भी सम्यक दर्शन चाहिए, और इस लोक में सुखी होना हो तो भी सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन से ही जीव सुखी होता है और कोई उपाय नहीं है। सम्यक दर्शन करो कैसे भी करके, सबसे पहले करो। लाख बात की बात ये है, कोटि ग्रंथ का सार ये है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना कुछ और धर्म की शुरुआत होती नहीं है। ऐसे कितनी तरीके से कहा, रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा कि तीन लोक तीन काल में, वो उसका अनुवाद किया इन्होंने कि तीन लोक त्यों काल माई नहीं दर्शन सो सुखकारी। तीन लोक तीन काल में सम्यक दर्शन से बढ़कर सुख देने वाली वस्तु और कुछ नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन। और ऐसे ही मिथ्यात्व से बुरी चीज इस तीन लोक तीन काल में दूसरी नहीं है।
कभी एक पल भी भूलकर मिथ्या दर्शन का सेवन नहीं करना चाहिए, सम्यक दर्शन की आराधना करनी चाहिए। ऐसे तरह तरह से तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, कैसे उसको पहचानते हैं, ये सारी बात समझाई और तीसरी ढाल का स्वाध्याय हमारा पूरा हुआ। अब आज चौथी ढाल प्रारंभ होती है। हाँ बताओ। वो बताया ना, उसके पहचान के चिन्ह बताए इसमें, किसी को भी सम्यक दर्शन है क्या, हमको है क्या, तो इन्होंने उसके चिन्ह बताए। बाजार में सोना खरीदने जाओ तो उसके कुछ पहचान के चिन्ह है कि नहीं। कोई आपको पीतल दे, मान लो आप जा रहे सोना खरीदने, मैं कहूँ तुम मत जाओ, कोई पीतल पकड़ा देगा, तो बोलोगी ऐसे कैसे पकड़ा देगा, हमको क्या पहचान नहीं है, अरे वो पीला दिख, पीला दिखने से कुछ नहीं होता, हम जानते हैं सोना क्या होता है। तो लेने जाते हैं ना, हीरा खरीदने जाओ, हम कहें तुम मत जाओ, कोई कांच का टुकड़ा दे देगा, नहीं हमको पहचान है। जैसे सोने की पहचान होती है, जैसे हीरे की पहचान होती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन की भी पहचान होती है। सम्यक दर्शन किन किन चीजों से पहचाना जाता है? सम्यक दर्शन में 8 गुण होते हैं, सम्यक दर्शन में 25 दोष होते हैं। जैसे सोना है तो कैसे पहचाने, तो पटक के देखना, अगर आवाज करे तो समझ लेना सोना नहीं है, सोना बोलता नहीं है। सज्जन लोग सोने की तरह होते हैं, दुर्जन लोग पीतल की तरह होते हैं, झट गिरे तो आवाज करता है, और सोना ऊपर से पटको आवाज नहीं करता। ये सोने की पहचान है। ऐसे ही सम्यक दर्शन की 8 तरह से 8 चीजें बताई, ध्यान रखना। अगर उसे तत्व के स्वरूप में देव शास्त्र गुरु में शंका हो तो समझ लेना सम्यक दर्शन नहीं है। आपको ये डाउट हो, अरे पता नहीं आत्मा है कि नहीं, अगला जन्म है कि नहीं, समझ लेना सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दृष्टि को ये आत्मा के स्वरूप में पता नहीं भगवान है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, भगवान दुनिया को बनाता है कि नहीं, क्या पता क्या मामला है, समझ लेना सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दृष्टि को पहाड़ जैसा श्रद्धान होता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान कैसे हैं, इन सब बातों की उसे पक्की श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि की। ये ऐसे ही सम्यक दृष्टि कुछ चाहता नहीं, निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि। गुरु कुदेव को पूजे तो समझ लेना सम्यक दर्शन नहीं है। उसे साधर्मी से द्वेष हो तो समझना सम्यक दर्शन नहीं है। वात्सल्य होता है, धर्म की प्रभावना का मन करता है, कैसी कैसी उसकी गुण हैं उसके, ये सब इसमें बताया बहुत विस्तार से, उससे हम पहचान सकते हैं। और निश्चय से सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा का सिद्ध समान आनंद आता है, वो आत्मानुभव भी करता है, आत्मानुभूति होती है, शरीर भी मेरा नहीं। इंद्र को जो सुख नहीं है, लिखा न इंद्र नाग नरेंद्र के वो सुख नहीं है, जो सुख सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन का स्वरूप अपन ने पढ़ा, अब पढ़ेंगे सम्यक ज्ञान का, फिर पढ़ेंगे सम्यक अगली क्लास सम्यक चारित्र की। पर अभी क्लास कौन सी है, सम्यक दर्शन वाली हो गई, सम्यक ज्ञान की क्लास है चौथी ढाल।
बहुत ही बढ़िया अनंत उपकार है दौलत राम जी का, उनको जितना प्रणाम करो उतना ही कम है। देखो तो सही, तो क्या कह रहे देखो, चौथी डाल का पहला छंद पढ़ता हूँ, पेज नंबर 31। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है इस दोहे पर। सम्यक, सम्यक माने सच्ची, सही, सम्यक माने सही, सम्यक का उल्टा क्या होता है, मिथ्या, गलत। मिथ्या दर्शन माने गलत श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान माने गलत ज्ञान, और सम्यक ज्ञान माने, सम्यक माने सच्चा। क्या कैसे होता है सम्यक और मिथ्या, कि जो आग को आग जाने, पानी को पानी जाने, नमक को नमक जाने, मिश्री को मिश्री जाने, आत्मा को आत्मा जाने, शरीर को शरीर जाने, जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव जाने, वो क्या है, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो देखो सम्यक माने सच्ची, श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा माने सच्ची श्रद्धा माने सम्यक दर्शन। धारी, धारी माने धारण करके, पुनि उसके बाद, पहले सम्यक दर्शन धारण करो, पुनि, पुनि माने सेकंड नंबर पर, दोबारा इसके बाद, सेवौ सम्यक ज्ञान, इसके बाद सेवौ सेवा करो, काहे की सम्यक ज्ञान। लो जी सम्यक ज्ञान की सेवा करो, राजा की सेवा तो की, बच्चों की सेवा करी, मम्मी पापा की सेवा करी, सबकी सेवा करते हैं, आज काय का ऑर्डर हुआ है, ज्ञान की सेवा करो। तो क्या करे, हाथ पैर दबाए उसके, मालिश कर दे, खाना खिलाए उसको, क्या करे, स्वाध्याय करना ही सम्यक ज्ञान की सेवा है, ज्ञान को धारण करना यही उसकी सेवा है, और कोई उसकी सेवा। सज्जन लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मान लो कोई सज्जन पिताजी होंगे तो क्या बोलेंगे, कि बेटा तू पढ़ाई कर, धर्म ध्यान कर, यही मेरी सेवा है। ऐसे ही यहाँ का, कि तुम तो जिनवाणी पढ़ो, यही तीर्थंकरों की सेवा है, यही कुंद कुंदादि आचार्यों की सेवा है। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन वान। सम्यक श्रद्धा धारण करो नंबर एक, कैसे, जैसे तीसरी डाल में कहा था, पुनि उसके बाद सम्यक ज्ञान की सेवा करो, उसे भी धारण करो। तो वो कैसे करे महाराज, बोले अभी समझाते हैं, सम्यक ज्ञान अब समझाते हैं, के समझाओ महाराज। स्वपर, स्वे, पर अर्थ माने पदार्थ, बहु माने बहुत, धर्म माने गुण, क्वालिटी, विशेषता, जुत युक्त सहित, जो स्वे है और पर है वो सभी पदार्थ बहुत धर्मों से सहित है। हर पदार्थ में अनंत धर्म रहते हैं, हर पदार्थ में, एक ही पदार्थ में अनेक धर्म रहते हैं, परस्पर विरोधी अनंत धर्मों को वस्तु धारण करती है, इसलिए वस्तु का दूसरा नाम अनेकांत भी है, अनेकांत। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि
सेवौ सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। भान मने सूरज, भान मने सम्यक ज्ञान कैसा होता है, जैसे सूरज होता है, निकलता है तो सारा अंधेरा भाग जाता है, उजाला हो जाता है। ऐसे ही जब जीवन में सम्यक ज्ञान आएगा तो क्या होगा, ज्ञान का उजाला आ जाएगा। अभी सारी बात अंधेरे में चल रही है, सब अंधेरे में चल रही है काम। देखो कितना बढ़िया लिखा, स्वैबी बहुत धर्म धारण करता है और पर भी बहुत धर्म धारण करता है, जिनको सम्यक ज्ञान ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। वस्तु में नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, अस्ति भी है, नास्ति भी है, भेद भी है, भेद बहुत क्वालिटी है। इस जैसे हर पदार्थ ऐसा होता है कि हम क्या है, देखो हम शरीर से भिन्न है कि नहीं है, है भी नहीं भी है, सर्वथा भिन्न नहीं है। हम सिद्ध समान है कि नहीं, है भी और नहीं भी। मैं पापा हूं कि नहीं हूं भी और नहीं भी। पिताजी की अपेक्षा बेटा हूं, बेटे की अपेक्षा पापा। हर वस्तु में अनेकांत है, हर वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं। इस कैसे? सिद्ध समान है, हमारी जाति वैसी है जैसे वे है, इसलिए हम सिद्ध जैसे भी है, हम समान हैं भी नहीं भी है कि नहीं। इसलिए का सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन वान। अब देखो आगे ये रोला छंद है, नया छंद आ रहा है। हर ढाल में अलग छंद है, हर ढाल की लय अलग है। ढाल माने लय भी होता है। छह ढाला शब्द का एक मीनिंग है जिसमें छह तरह की तर्ज है। एक ही तर्ज नहीं है, पहली ढाल की तर्ज न्यारी है, दूसरी ढाल की तर्ज, सबको एक से नहीं गा सकते, सबको अलग अलग गाना है। तो जिसमें छह प्रकार की लय हो उसको छह डाला कहते हैं। देखो सम्यक साथे ज्ञान हो ये पे भिन्न अराधो लक्षण श्रद्धा जान दू मैं भेद अबादो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक। सम्यक दर्शन के साथ में, सम्यक साथे मने सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान होय। ज्ञान कब होता है, ऐसे नहीं कि आज सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक ज्ञान साल भर बाद होगा, ऐसे भी नहीं होता कि सुबह सम्यक दर्शन हो गया शाम को सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन जब होता है उसी समय, एक मिनट भी का भी देरी नहीं लगती, सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान हो जाता। क्यों कहा ये बात कि इनने पहले ये कहा था ना कि पहले सम्यक दर्शन करो बाद में सम्यक ज्ञान की सेवा करो, तो सोचा कोई ऐसे नहीं समझ जाए कि पहले वो होगा बाद में वो होगा। तो उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हालांकि एक साथ होते हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता है,
सम्यक साथे ज्ञान होय। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा होता है, पर सम्यक चारित्र में तो फिर भी टाइम लगता है। सम्यक चारित्र में देर लगती है, पर सम्यक ज्ञान में देर नहीं लगती है। देखो, सम्यक साथे ज्ञान होय पे लक्षण श्रद्धा जान दू मैं भी। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान होता है। पे माने परंतु, पे माने परंतु, भिन्न अरादो, ये होते एक साथ है, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये एक चीज नहीं है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है अलग अलग, लेकिन होते एक साथ है, एक साथ होते हैं, लेकिन एक नहीं है, है अलग अलग। तो कैसे के लक्षण, दोनों का चिन्ह न्यारा न्यारा है, दोनों का लक्षण अलग अलग है। सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा, और सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना। दुहु में भेद आबादो, इन दोनों में भेद माने फर्क, अंतर। अबाधो, अबाधो माने बाधा माने डिस्टर्बेंस, और अबाधा माने जिसमें कोई निसंदेह, पक्का। अबाध माने पक्का भेद है, ये दोनों में फर्क है, दोनों एक चीज नहीं, एक साथ होते हैं, लेकिन ज्ञान का काम जानना है और श्रद्धा का काम मानना है। जानना अलग बात है और मानना, अपन बहुत सारी बात जानते हैं पर मानते नहीं है। अपन जानते हैं कि एक दिन अपने को भी मरना है, किसी भी दिन मर सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मानते नहीं है। सब पता है, जानते हैं कि सब छूट जाएगा, एक सुई बरा नोक बराबर हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन मानते नहीं है। क्यों? मानते होते तो हालत ऐसी थोड़ी होती। पन दुकानदार क्यों इतनी गुस्सा कर रहा है? पता है कि सब इतना पड़ा है, साथ जाना नहीं है, फिर भी। तो इसका मतलब है, जानते हैं पर मानते। अपन कहते हैं, देखो जी, जिसको जब जाना है, एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होता है, सब सब एक दूसरे को उपदेश देने में, अगर बगल में कोई मर जाए ना, तो उसके घर 10 लोग पहुंच जाएंगे। इतनी लिखी थी, एक सेकंड भी कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है, सब सब समझाने चले जाएंगे, फिर मानते हैं अपन, मान समझाते हैं, फिर भी दूसरे को समझाना बहुत सरल होता है। दूसरे के यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ना, तो झट समझाने पहुंच जाएंगे चौधरी बन के। मान लो किसी का बच्चा कहना नहीं मान रहा, तो समझाए, देखो जी, आजकल जमाना बदल गया, बच्चे ऐसे ही है, अब आप मत परेशान हुआ। और अपने बच्चे हो तो खुद परेशान होंगे। दूसरे को समझाने में हम एक्सपर्ट है, लेकिन अपने को समझाना नहीं पचाते। जानते सब है, रोज देख रहे क्या क्या हो गया, पर मानते नहीं। तो ज्ञान अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। तुम जानो भी और मानो भी, तभी सिद्ध शिला पे जाओगे। खाली जानने से नहीं जाओगे, खाली मानने से नहीं जाओगे। कोरा मानने से भी काम नहीं चलेगा, कोरा जानने से भी काम नहीं चलेगा, जान कर मानने से काम चलेगा। कितनी बढ़िया बात आई देखो आज। बिना जाने मानोगे तो अंधश्रद्धा हो जाएगी वो।
सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न अरादो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबादो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। क्या कहा? सम्यक दर्शन का कारण है ज्ञान। देखो कितनी बढ़िया, नहीं सम्यक कारण, सम्यक दर्शन कारण है ज्ञान, जान ज्ञान कारज है सोई, ज्ञान कार्य है। सुनो फिर से क्या कहा, तीसरी लाइन का अर्थ फिर से सुनो। तीसरी लाइन में ये कहा कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, कार्य, हाँ कारज माने कार्य। सम्यक ज्ञान कार्य है, सम्यक दर्शन कारण है, कारण से कार्य होता है ना। सम्यक दर्शन नहीं हो तो कभी भी सम्यक ज्ञान होता नहीं है। हालांकि दोनों होते युगपत है, युगपत माने एक साथ होते, एक साथ है, लेकिन जैसे प्रकाश दीपक ते होई, जैसे प्रकाश और दीपक एक साथ होते हैं, प्रकाश और दीपक। देखो देखो ये लाइन मेरे बहुत दिन तक समझ में नहीं आई, आज आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग ने ये क्या लिखा, इसमें ये लिखा है, आप मुझे बताओ क्या लिखा। ये लिखा है कि प्रकाश और दीपक एक साथ होते हैं, पर दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। पहले उदाहरण समझो, मेरे तो उदाहरण ही पल्ले नहीं पड़ रहा, उदाहरण समझ में आ रहा है। ये कह रहे हैं दीपक और प्रकाश ये दोनों एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं, लेकिन दीपक कारण है और प्रकाश कार्य। कारण कार्य तो समझे, जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य, आटा कारण है और रोटी कार्य। पहले कारण कार्य समझो, कारण कार्य समझ में आया, आटा क्या है कारण, रोटी क्या है, जो कारण से बनती है उस चीज का नाम है कार्य। तो कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, ये नियम है। तो अब वो कह रहे हैं कि दीपक और प्रकाश दोनों एक साथ होते हैं। एक साथ होते हैं क्या दीपक और प्रकाश? नहीं, दीपक तो रखा रहता है दिन में। नहीं ये कह रहे, नहीं ये बात समझाओ कि दीपक और प्रकाश एक साथ होते, एक साथ क्यों होते? प्रकाश नहीं, मगर एक साथ का बिना प्रकाश के भी दीपक रखा रहता है। देखो दीपक किसको कहते हैं, अपन दीपक का मीनिंग नहीं जानते, अपन उस डिब्बी को दीपक जानते हैं। अपन दीपक का मतलब समझते हैं वो मिट्टी का, लोहे का, किसी का, वो जो बर्तन है पीतल का, उसका नाम हमने दीपक रख रखा है। वो दीपक नहीं होता है, दीपक नाम है ज्योति का, वो जो लौ उठती है ना, उसका नाम दीपक है। कभी लौ के बिना उजाला रहता है, उजाले के बिना लौ होती है। मुझे ये बात समझने में बहुत दिन लगे कि दीपक जहां, देखो जहां जहां दीपक हो वहां प्रकाश होना चाहिए, जहां जहां प्रकाश हो वहां दीपक होना चाहिए, दोनों साथ रहने चाहिए, एक के बिना दूसरा नहीं रहना चाहिए। मगर कैसे, हम तो कह रहे ये रखा दीपक तो वो रखा,
और अगर दीपक प्रकाश का है तो वो दीपक नहीं है, वो तो दीपक का आधार है, पात्र है, बर्तन है। दीपक माने ज्योति, लौ, लौ का नाम, लौ, लौ हो और प्रकाश नहीं हो बताओ, जैसे ही लौ होगी तैसे ही प्रकाश होगा। दीपक का मतलब इस लाइन का अर्थ बहुत लोग नहीं जानते, आप पूछ के देखना किसी को, कि दीपक और प्रकाश साथ साथ रहते हैं का मतलब क्या। दीपक माने वो बर्तन नहीं, दीपक माने रुई नहीं, बत्ती नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, दीपक माने लौ। लौ का नाम दीपक है, लौ होगी तो प्रकाश भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब हमारे घर में आज लौ तो थी पर प्रकाश नहीं था, प्रकाश तो था पर लौ नहीं थी, ऐसे नहीं हो सकता। लौ होगी तो प्रकाश होगा, प्रकाश होगा तो लौ होगी। तो लेकिन लौ कारण है और प्रकाश कार्य है, लौ से प्रकाश होता है, प्रकाश से लौ नहीं होती, लौ से प्रकाश है। ऐसे ही सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। कितना बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया, इसका मीनिंग नहीं लगता बहुत लोगों को। सम्यक साथे ज्ञान हो ये पे भिन्न अरादो, लक्षण श्रद्धा जान दुहू में भेद बादो। सम्यक कारण जान ज्ञान का रज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। दोनों साथ साथ होते हैं लेकिन दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है, दीपक से प्रकाश होता है। तास भेद दो हैं परोक्ष पर कच तिन माई, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई। अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रतचा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। तास माने उसके, तास माने उसके, भेद प्रकार दो हैं, सम्यक ज्ञान के दो भेद है, दो प्रकार हैं। क्या नाम है उनका? परोक्ष, परतच्छ, परतच्छ माने प्रत्यक्ष। सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, एक का नाम है परोक्ष, दूसरे का नाम है प्रत्यक्ष। तो क्या क्या समझ में नहीं आया महाराज, फिर समझाओ। तो बोले सुनो, मति श्रुत दो ये परोक्ष, के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञान परोक्ष है, और अक्ष माने इंद्रियां। देखो हर शब्द का मीनिंग आना चाहिए। अक्ष माने, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अक्ष माने इंद्रियां। मन ते, ते माने से, उपजाई उत्पन्न होता है, उपजता है, उपजाई माने उपजता है, पैदा होता है, उत्पन्न होता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये इंद्रिय और मन से पैदा होते हैं। मति ज्ञान पांच तरह का ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। इन पांच में से शुरू के दो ज्ञान परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? क्योंकि वो इंद्रिय और मन पर डिपेंड है, बिना इंद्रिय मन के काम नहीं करते। उनको हजार चीज चाहिए, लाइट नहीं है, चश्मा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है,
इनको कुछ ना कुछ चाहिए ही, बिना उसके ज्ञान होता अंधेरा हो रहा है, मैं कैसे देखूं, अच्छा उजाला हो गया तो चश्मा नहीं है, मैं कैसे देखूं, फिर चश्मा भी दे दिया, लाइट कम है, मैं कैसे देखूं, फिर कुछ आगे आ रहा है ना ढकी हुई है किताब, मैं कैसे देखूं, फिर तेज रोशनी बहुत तेज है, कैसे देखूं, किताब दूर है मुझे दिखती नहीं, तो इतनी पास है नहीं दिखती, लोग कितने झंझट है, दूर का भी नहीं दिखेगा, पास का भी नहीं दिखेगा, बहुत कम लाइट हो तो भी नहीं दिखेगा, बहुत तेज हो तो भी नहीं दिखेगा, ज्यादा खाए तो दुख, कम खाए तो दुख नहीं, मतलब ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पराधीन है, हमारा आपका ज्ञान बहुत पराधीन है, अपने को ऐसे ज्ञान होता नहीं है, बहुत सो झंझट चाहिए, मति श्रुत ज्ञान ही है ना अभी तो आज हाँ, तभी बिना किसी साधन के कहाँ जानते हैं हम, मति श्रुत दो ये परोक्ष, मति श्रुत दोनों परोक्ष है, क्यों क्यों है, अक्ष मन ते उपजाई, क्योंकि ये इंद्रिय मन से पैदा होते हैं, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, अवधि ज्ञान और मने परय ज्ञान ये प्रत्यक्ष है, आंशिक प्रत्यक्ष है, देश माने थोड़े से प्रत्यक्ष है, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा, क्योंकि ये द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा लेकर साफ साफ जानते हैं, स्वच्छ माने क्लियर, बिना इनको कोई इंद्रिय मन की सहायता की जरूरत नहीं है, देखो एक बार ये पांच ज्ञान समझना जरूरी है तब इन लाइनों का मीनिंग समझ में आएगा, कितने ज्ञान होते हैं, मति श्रुत अवधि मने परिय, ये सब अच्छे से समझ लो, पांच ज्ञान, मति ज्ञान क्या होता है, जो इंद्रियों से मन से जितना सा होता है ना, इंद्रियों से जितना दिख रहा है बस उसका नाम है मति, जैसे ये किताब दिख रही है तो ये जो दिख रही है ना, ये सिर्फ दिख रही है, ये लाल नीली सफेद एक ऐसे 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 दिख रही है, गाय देखेगी तो उसको भी दिखेगी, कौआ देखेगा तो उसे भी दिखेगी, ये जो दिख भर रही है इसका नाम है मति ज्ञान, नहीं यहाँ बुद्धि उद्धि मत लगाओ, इंद्रिय ज्ञान, मति माने इंद्रिय, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है उसका नाम क्या है, मति ज्ञान, और देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया, अरे ये तो छेडाला है, ये तो दौलत राम जी ने लिखी है 190 साल पहले, दौलत राम जी यहीं रहते थे, इसमें छेडाल है, इसमें तो सब ये वर्णन है, ये वर्णन है, ये तो हमने वहां कुनकुन भारती में पढ़ते हैं हम तो, ये जो आपको देखते ही ज्ञान हो गया ये श्रुत ज्ञान है, जैसे और दूसरा उदाहरण दूं, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या फर्क है, कि जैसे आपको एक बर्फी ली और मुंह पे रखी, तो मुंह पे रखी ना तब जो पता चला इसका नाम क्या है, मीठी है, ये जो पता चला ये क्या है, मति ज्ञान, ये मुझे नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर ने मना किया है, नुकसान करेगी, ये क्या है, श्रुत ज्ञान, या खा ले हूं फायदा करेगी, ये जो उसका लाभ हानि दुनिया भर की बात पता, ये तो अभक्ष है, ये तो भक्ष है, ये क्या पता चला, मति ज्ञान क्या करता है, सिर्फ इंद्रियों का जितना काम, उससे आगे कुछ नहीं, आपने कोई शब्द बोले मेरे कान में आए,
अब वो कान में आए ये है मति ज्ञान, और इन्होंने मुझको गाली दी है, ये मेरे से नाराज हो रहे हैं, मैं एक की दो सुनाऊंगा, या मुझे समता रखनी चाहिए, इनने बोला इनकी मर्जी, मुझे कसाय नहीं करनी चाहिए। ये क्या है? श्रुत ज्ञान। सुन, खाली सुनना नहीं, उसको सुनकर गुनना, उसका फैलाव हानि फलाना। श्रुत माने जिनवाणी, जिनवाणी जो कहती है वो बात समझ लेना, वो श्रुत ज्ञान है। देखो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में अंतर नहीं जानते बहुत से लोग। मति ज्ञान केवल उतना सा है जितना इंद्रियां वर्क करती है, श्रुत ज्ञान वो उसमें से क्या हेय है, क्या उपादेय है वो जानता है। और अवधि ज्ञान क्या करता है? अवधि ज्ञान इंद्रियों से नहीं जानता, मन से नहीं जानता, वो डायरेक्ट आत्मा से। उसको चश्मा फस्मा रोशनी फोसनी बल्ब बल्ब कुछ नहीं चाहिए, वो तो ऐसे ही देख लेगा, उसे ऐसे ही दिख जाएगा। मान लो किसी आदमी की भैंस हो गई, तो वो आया मेरे पास में, और मेरे को अगर अवधि ज्ञान है नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ, मान लो है, तो मैं कहूँगा हाँ तुम्हारी भैंस यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है, एक झोपड़ी में बंधी हुई है, ले गए कोई, ये क्या हो गया? अवधि ज्ञान है, आत्मा, डायरेक्ट आत्मा से। इसमें कुछ भी अवधि ज्ञान इतना कमाल का होता है, उसे वो मुझे वो भैंस वहां बंधी हुई दिख जाएगी, प्रत्यक्ष ज्ञान। श्रुत ज्ञान बढ़िया करो, अवधि ज्ञान क्या केवल ज्ञान होगा, और मने परय ज्ञान क्या होता है? मन में स्थित बात को जान ले। आप यहाँ बैठे हो, स्वाध्याय सुन रहे हो, लेकिन आपके मन में चल रहा है वो घर पर टिफिन में खाना रखा है, वो खाना दिख रहा है, वो मुझे पता चल गया कि ये छह डाला में बैठी है, मगर इसका दिमाग इसके दिमाग में, मन में जो चीज हो वो। लेकिन याद रखना, अवधि ज्ञान और मने परय ज्ञान केवल रूपी पदार्थ को जान सकते हैं, अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकते। भैंस को जान सकता हूं, भैंस की आत्मा को, मैं रोटी जान दिख जाएगी मुझे टिफिन में रखी हुई, लेकिन मन में कोई भाव चल रहे हैं वो नहीं पता चलेगा। तो मने परय ज्ञान और अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानते हैं, और केवल ज्ञान वो तीन लोक तीन काल के, भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान काल के, जितने भी द्रव्य गुण पर्याय सब को प्रत्यक्ष बिना इंद्रिय मन प्रकाश किसी की सहायता के बिना जानता है। ऐसे केवल ज्ञान में लोका लोक झलकता है। तो अरूपी पदार्थ को कौन जानता है? दो ज्ञान जानते हैं, केवल ज्ञान या श्रुति। आत्मा अरूपी है, आत्मा कैसे जानने में आए? आत्मा को जानने के लिए दो ज्ञान बने हैं, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हमारे पास है नहीं, तो श्रुत ज्ञान ही हमारे पास है, हम उसी से आत्मा को पहचान सकते हैं। इसलिए श्रुत ज्ञान को अच्छा करो, सम्यक करो, तो ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आएगी। चलो, समय आज का हो गया, बहुत बढ़िया। कभी-कभी ऐसे क्लासरूम की बातें बताता है ना, एवरीडे शेयर करता है। हाँ।